ഇതൊക്കെന്താ മിട്രിയ ഫ്രേഗ്രൻസ് ബോർഡ്സ് ഇത് പിങ്ക് ഹെ നാ യെ ബഡാ ഹി പിങ്ക് ഹെ പ്യാരാ പിങ്ക് മമ്മി वेलकम बैक टू माई चैनल वॉन्डर्स अप. मैं हूँ प्रेरणा मलहन और आज की वीडियो जैसे कि टाइटल पढ़ के आपको पता लग ही गया होगा होने वाली है पिंक फूड चैलेंज. आज मैं खाने वाली हूँ सिर्फ पिंक फूड. मैं पूरे दिन पिंक फूड खाऊंगी, पिंक फूड के अलावा कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि ये ट्रेंड हो चुका है यूट्यूब पे, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर. बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं ये वाली फूड चैलेंजेस को फॉलो, तो मैंने सोचा मुझे भी ट्राई करना चाहिए, हम भी क्यों पीछे रहे. इनफैक्ट सबसे पहले मैंने फूड चैलेंज देखा था आई थिंक सैफ्रन बार्कर का, शी इज एन अमेजिंग यूट्यूबर. तो मैंने सोचा मुझे भी ट्राई करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि मैं ये फूड चैलेंज फॉलो कर सकती हूँ या नहीं. बस फिर क्या था, कल ग्रोसरी स्टोर गई, ग्रोसरी स्टोर से सारे पिंक फूड आइटम्स जो भी मुझे पसंद आई मैंने वो सारी पिक कर ली. क्रंची जूस, स्विस रोल, कस्टर्ड और जो भी मुझे पिंक नजर आया मैंने सब उठा लिया. ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करने वाली हूँ मैं. जैसे कि मैं देख सकती हूँ टाइम हो गया ऑलरेडी 11 बज गए हैं. योगा से आके सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो है ऑरेंज जूस पीना. तो आज ऑरेंज जूस तो नहीं बट मैं एक बहुत ही प्रिटी पिंक कलर का लीची जूस लेके आई हूँ. उससे प्यारा पिंक कलर मैंने कहीं नहीं देखा. तो सबसे पहले मैं अपने लिए लीची जूस पोर करती हूँ. बाद में बनाने वाली हूँ मैक एंड चीज. पिंक कलर के लिए मैं बीट रूट लेके आई हूँ. वैसे मैं देसी स्टाइल में बनाने वाली हूँ, उसमें अपने पूरे तड़के तुड़के लगा के मैक एंड चीज बनाने वाली हूँ. तो आई होप कि वो अच्छा बन जाए एंड देखते हैं. सबसे पहले लीची जूस पोर करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिंक कलर कितना ज्यादा प्यारा पिंक है, लाइक बहुत ही प्यारा पिंक है. इससे प्यारी पिंक ड्रिंक मुझे मिल नहीं सकती थी. किचन में आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने एंड मैक एंड चीज बनाने वाली हूँ. वैसे मैं मैक एंड चीज बनाने वाली हूँ बट बनाऊंगी मैं मैक एंड चीज अपने खुद के पंजाबी तड़के स्टाइल में. सो मैं बॉईल कर रही हूँ यहाँ पे मैक्रोनी एंड मैंने इसके अंदर डाल दिया बीट रूट बिकॉज बीट रूट से थोड़ा कलर इस पे पिंक हो जाएगा. मम्मी को बुला लेते हैं, एक्सपर्ट शेफ, वो ही बताएंगी कि क्या करना है. उन्हीं की हेल्प से बनने वाला आज मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है तो मैं भूखी रहने वाली हूँ. मम्मी ये कुकिंग एंड ऑयल करना इतना इजी नहीं यार, काफी टफ काम है. मीस कैसे कर लेती है पता नहीं, मेरी तो आई नहीं रही है. खैर मैं कैसे बताऊं. हेलो हेलो. इन द मीन टाइम खाया जाए स्विस रोल जो बाहर तो फोटो में पिंक पूरा बनाया हुआ था. कहां से आ गया बीच में से उसकी फिलिंग जो है वो पिंक होगी. इसको काट के खाना, ऐसे काटना. ये जब भाई होते हैं ना घर में मम्मी, तो कुछ भी तरीके से नहीं हो सकता. खा के चला गया देखना मेरा सारा स्विस रोल. से पिंक है ना, ये पिंक है या नहीं है? है. पिंक है? नहीं है. पिंक है? है. तू बोल, तू बता, टेस्टिमोनी तू दे तभी मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी. ये पिंक है? है वेनिला स्ट्रॉबेरी यार. पिंक बनाया हुआ है, पिंक है, पिंक है. मैं कह रहा हूँ कि पिंक है, बहुत लाइट पिंक है, बहुत लाइट पिंक है, पर पिंक है. ये जो पिंक है ना ये बड़ा ही पिंक है. आई थिंक इसमें दूध डालते हैं तो ये पिंक हो जाएगा, गारंटी है मेरी. लग सही रहा है पर मैक एंड चीज, अरे मैं कह रहा हूँ मैक एंड चीज में काली मिर्च कौन डालता है. देसी मॉम देसी तड़का लगा रही है मेरे लिए. पिंक सॉस आ गई है, ये एक्चुअली में पिंक हो गया. ठीक है, एक्सपेरिमेंट हमेशा सक्सेसफुल होते हैं. मम्मी की लैबोरेटरी, आपको इसीलिए मदद किया. कुकिंग चैनल शुरू कर दो. हाँ यार मम्मी आपको कुकिंग चैनल शुरू करना चाहिए. मम्मा आ रही है अपना लेके, मैं स्टार्ट करती हूँ. ये बहुत ज्यादा सच में हैवी लग रहा है. बना रियली टेस्टी है, मिर्ची है.
बहुत अच्छा मैक एंड चीज बनाया आपने. थैंक यू. स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाते हैं. स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड आप ही बनाने वाली हो? तो ना बनाएगी ना खाएगी. सुबह ब्रेकफास्ट आपका सिर दर्द हो रहा था, मैंने खिलाया था ना. बताओ इनको, ये सोचेंगे मैं कुछ नहीं करती. नहीं, इसने मेरे को पराठे खिलाए आज, पापा को भी खिलाए. तो अब बस ये कस्टर्ड वस्टर्ड नहीं आता तो आप भी बनाओगे. सीख लेते हैं. चलो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड. ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाता है. कस्टर्ड को चलाते रहना है ताकि लम्स ना आए. ओह, मेरा पिंक कस्टर्ड तैयार हो रहा है. यहाँ पे खड़े खड़े स्वेटिंग हो रही है एंड इसको भी टाइम लगने वाला है. हाफ एन आवर लग जाएगा कम से कम. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. सो गाइस, मेरा कस्टर्ड हो गया तैयार. मम्मी ने एक बॉल फ्रिज में पहले ही निकाल दिया था मेरे लिए, बिकॉज ये सब तो रात को खाएंगे, बट मुझे भूख लग रही है एंड लंच टाइम भी हो गया है. ये बहुत अच्छा पिंक है. डोरेमोन. मेरा कस्टर्ड पूरा रेडी है एंड इसमें पिंक कलर की क्रैनबेरीज भी डल गई हैं. तो आई थिंक ये बहुत अमेजिंग है एंड मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहा है. कांट वेट टू ईट इट. बट मैं इसे खाने के लिए ऊपर जा रही हूँ टेरेस पे, आराम से खुली खुली हवा में खाने वाली हूँ बैठ के. तो चलो चलते हैं. सोशली स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड अपने भाई के साथ शेयर कर लिया जाए. बेचारा पूरे दिन काम करता रहता है, तो लेके चलती हूँ उसके पास. खाना चाहोगे पिंक कलर का कस्टर्ड? भाई तुम तो उछल पड़े पिंक कस्टर्ड पे. कितने बनाया? मैंने कभी इतना अच्छा नहीं. मम्मी ने बनाया है. बहुत अच्छा. ये मेरी सीक्रेट जगह है जहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ है. ऐसे चालीस चूज होने चाहिए. तो आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है. देखो कस्टर्ड तो क्या लाजवाब बना, डिलीशियस. आपको पता है पिंक फ्रूट चैलेंज बेसिकली मैं पूरे दिन रात सिर्फ पिंक खाने वाली हूँ. मैं कुछ भी खाऊंगी वो पिंक खाऊंगी. मैं पापड़ बना रही हूँ पिंक कलर के. खाओ क्या? पिंक कलर के पापड़ खिलाओ. चलो चाय भी लेके आओ. और चाय चाहिए? ऑर्डर साथ मिल जाता है. चलो पापड़ बनाते हैं एंड देखते हैं कैसे बनता है, पिंक बनते हैं या नहीं. तो गाइस एक बार फिर से मैं किचन में आ गई हूँ. मैं बनाने वाली हूँ पिंक पापड़. पिंक पापड़ का ये नया सा पैकेट मैंने पहले कभी नहीं देखा. और ये देखो ये पिंक, कितना पिंक पिंक है इसके अंदर. तो देखने में कुछ, बनने में कुछ ना हो. तो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं पिंक बनता भी है या नहीं. एंड आई रियली होप ये पिंक बन जाए. तो जेन्युइनली बिलीव नहीं हो रहा कि इतने प्यारे पिंक कलर के पापड़ बन गए हैं. और पापा कब से वेट कर रहे हैं. तो पापा के पास लेके चलते हैं और पापा को दिखाते हैं पिंक कलर के पापड़ पहली बार. क्रंची आवाज से पता लग रहा है. बहुत हो गया पापड़, चलते रेस्ट करते हैं थोड़ा. मेरे पास मार्शमेलोज का पैकेट भी है तो मैं इसे ओपन कर रही हूँ एंड खाने लगी हूँ. ये क्या जापानीज गुड़िया बन के बैठी हुई है? जैसे ही मैं शूट करने लगती हूँ कोई ना कोई आ जाता है. आई हैव बैट. चल मार्शमेलो. मार्शमेलो खाए यार, जल गया मेरा इतना. देख पिंक कलर के मार्शमेलोज लेके आई हूँ मैं. ये क्या खा लिया? क्यूट. कॉटन. क्यूट नहीं है पिंक कलर का मार्शमेलो? कॉटन खा लिया. कॉटन? ये कोई कॉटन नहीं है. मार्शमेलो काफी टेस्टी है. और अपने लैपटॉप पे थोड़ा काम करूंगी तो मैं इतना ही खाने वाली हूँ, क्योंकि नीचे इसके ग्रीन है. तो आई थिंक मैं इतना ही खाने वाली हूँ. अब मेरा कुछ भी हैवी खाने का बिल्कुल मन नहीं है एंड मुझे नहीं लगता मैं खा भी पाऊंगी. सो आई थिंक मैं अब बनाने वाली हूँ अपने लिए एक स्ट्रॉबेरी शेक. आई कॉल इट द डे एंड मैं स्ट्रॉबेरी शेक के बाद और कुछ नहीं खाने वाली ना पीने वाली हूँ. स्ट्रॉबेरी शेक के लिए मेरे पास यहाँ पे है हर्शीज सिरप एंड मिल्क
पता नहीं पहले क्यों नहीं पिया रियली। सो गाइस मैं काफी टायर्ड फील कर रही हूँ, काफी ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है एंड मुझे थोड़ा सा भी अगर कुकिंग का काम करना पड़ता है तो मेरे लिए तो वो पहाड़ उठाने जितना मुश्किल है। तो यहीं पे खत्म होता है मेरा पिंक फूड चैलेंज एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेट किस चीज का कर रहे हो? और कमेंट्स में बताओ आपको पिंक फूड चैलेंज कैसा लगा और आप चाहते हो कि मैं कोई और चैलेंज करूं या ना करूं। कमेंट्स में रिकमेंडेशन देनी मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टूडल्स।